जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके पांच अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा, तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को पांच तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध दही ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह शंकर जी को पांच तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया, ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है। आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। यह रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है, यह जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है, तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, इधर बैठो, अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना, यह तीसरा तरीका। यह कार्य सिद्धता के लिए, हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका तीसरा। चौथा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पांच जगह पर समर्पित करना, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी, ये चौथा क्रम है। जब शिवजी को हम जो जल चढ़ाते हैं, उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया, तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की चल जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, पांच स्थान पर गणेश, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना पांच स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और पांचवा, जल समर्पित करना। पांचवे नंबर का शिवजी को पंचम नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं, तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। यह पांचवा नंबर का जल समर्पित।